जब मन थक जाता है तो सबसे पहले नेचर और वाइल्ड लाइफ की ओर भागता है। आखिर क्यों? क्या रिश्ता है हमारा इन शेरों के साथ, इन जंगलों के साथ, इन अननोन इलाकों के साथ? प्रोबेबली रिश्ता है अपनेपन का। अपनों से मिलने का इंतजार काफी कर लिया। कम टू देवलिया। नमस्कार भारत, गुजरात के इस मिनी वन में आपका स्वागत है। जब गिर नेशनल पार्क में विजिटर्स की संख्या बढ़ने लगी तो यहाँ गिर इंटरप्रिटेशन जोन यानी देवलिया नेशनल पार्क बनाया गया। यू विल बी हैप्पी टू सी आज ये नेशनल पार्क बनेगा योग पार्क भी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग। जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। डू योगा, इट्स रियली हेल्पफुल एंड यू विल गेट लाइक ऑल द पॉजिटिव वाइब्स एवरी टाइम। आई फील इट, आई मीन जब मैं योगा करता था बहुत पॉजिटिव रहता हूँ कोर्ट पे, जब नहीं करता तो बहुत गुस्सा आता कोर्ट में, कंट्रोल नहीं होता माइंड सब। तो प्लीज़ टेक योर टाइम, एटलीस्ट स्पेंड 1 hour और 30 minutes टाइम इन योगा एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड हेल्दी फॉर यू। सो प्लीज़ डू इट एवरी डे। योग करो, योग करो। ये पार्क एशियाटिक लायंस का घर है। मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे योग परफॉर्मर्स यहाँ सिंहासन प्रैक्टिस करेंगे और चारों दिशाएं दहाड़ने लगेंगी तो शेर थोड़ा तो जेलस फील करेंगे, है ना? बट सिंस इट्स अ सेंचुरी, हम शेर का लंच नहीं बनेंगे और योग परफॉर्म करेंगे सेफ पार्क की ओर। शेर को सलामी देते हुए सबसे पहले करते हैं सिंहासन। ये खास तौर पर फेशियल और आई टेंशन को रिड्यूस करता है, साथ ही वोकल कॉर्ड को भी ट्यून करता है। अधोमुख श्वानासन फुल बॉडी स्ट्रेच के सबसे इफेक्टिव आसनों में से एक है। इससे फेस और ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे स्ट्रेस रिलीज होता है और हमें स्फूर्ति और ताजगी का एहसास होता है। मकरासन, ये मगरमच्छ से इंस्पायर्ड आसन है। रिलैक्सेशन कैटेगरी का यह आसन बैक बेंडिंग का काउंटर पोज है। इससे हार्ट और स्पाइन रिलैक्स होते हैं। हम यूथ को योग के टूवर्ड्स कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? यूथ हमारे राष्ट्र के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो यदि यूथ को रिदमेटिक सिस्टमेटिक योगा सिखाया जाए और योग में ध्यान और योग निंद्रा का समावेश किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और युवा आकर्षित भी होंगे योग से। जब भी आप देवलिया आए तब सोमनाथ में भोलेनाथ के दर्शन करना ना भूलें। ट्रैवल वेल एंड फॉलो योग फॉर वेलनेस। योग करें, फिट रहें। जय हिंद। योगा करें, फिट रहें।